ठीक है गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम देखेंगे पंजाब यूनिवर्सिटी का एमए ज्योग्राफी 2021 का पेपर, उसके आंसर की अभी भी आ गई है, तो सारे आंसर मैं उसको चेक करने के बाद ही ये वीडियो बना रहा हूँ। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन इज अम्फान साइक्लोन डिराइव्ड इट नेम फ्रॉम। तो अम्फान साइक्लोन जिसने अटैक किया था बांग्लादेशी कोस्ट पे और इंडिया में वेस्ट बंगाल पे, उसका नाम दिया था थाईलैंड ने। तो थोड़ा अजीब लग रहा हो कि थाईलैंड ने नाम क्यों दिया, क्योंकि थाईलैंड में साइक्लोन आया भी नहीं था। उसका रीज़न ये है कि ये नाम पहले ही डिसाइड हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल 2020 में साइक्लोन, 2021 में इस साल जो आया था, जो तोते नाम से आया था, तोते का जो नाम है म्यांमार ने दिया था, पर आया था अरेबियन सी में। एक आया था साइक्लोन यास, यास जो है नाम दिया ओमान ने, पर आया भी बे बंगाल में। तो बेसिकली जहाँ जिसने नाम दिया उसके अपोजिट एंड पे आया है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि वे ओमान से शुरू हुआ है यास फिर यहाँ आ गया। नो, नाम पहले ही कंट्री दे देती है इरिस्पेक्टिव ऑफ कि वे कहाँ भी आए, राइट। उसी तरह निसर्ग जो आया था पिछले साल, उसका नाम दिया था बांग्लादेश ने 2020 में, एंड अम्फान का थाईलैंड ने दिया है, राइट। सारे नाम ऐसे पहले डिसाइड हो जाते हैं। हमारा जो इंडियन ओशन है उसके अराउंड जितनी भी करीब 13 कंट्रीज़ का एक ग्रुप है, पहले नाम डिसाइड करके रखता है इन रोटेशन। हर कंट्री अपना एक नाम सुझाती है और उसका नाम तय हो जाता है, राइट। सो बेसिकली साइक्लोन का नाम भी तय है पूरा, ठीक है। सो एवरी ओशन जो रीजन है, अलग अलग कंट्रीज जो उसके अराउंड होती हैं, वे पहले ही डिसाइड कर रखती हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट ऑफ इंडिया रिकॉर्डेड द हाईएस्ट नंबर ऑफ कोविड 19 केसेस टिल एंड ऑफ लॉकडाउन 4.0। ये हुआ था 4.0 हुआ था मई 2020 में हुआ था। तो उस टाइम से ज़्यादा केसेस डिटेक्ट किए गए थे महाराष्ट्र में। आंसर इज डी, आइसोथर्म डिपिक्ट्स प्लेसेस हैविंग कोल्ड टेम्परेचर, राइट। कार्टोग्राफी इज अ साइंस ऑफ मैप मेकिंग, सो ए इज राइट। ओके, द डिफरेंस ऑफ 15 डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड डिनोट्स अ टाइम डिफरेंस ऑफ, सो 1 डिग्री डिनोट्स 4 मिनट्स, 15 × 4 = 1 आवर और 60 मिनट्स, सो बी इज राइट। प्रीवियस नेम ऑफ चेन्नई वाज मद्रास, नॉट चार मीनार, नॉट कांचीपुरम, चेंगलपट्टू। चेंगलपट्टू इज अ डिस्ट्रिक्ट इन तमिलनाडु, और द नेम ऑफ चेन्नई, चेन्नई इज मद्रास। मॉडरेटिंग इफेक्ट ऑफ ओशन ऑन एयर टेम्परेचर इज कॉल्ड, सो मॉडरेटिंग इफेक्ट ऑफ ओशन इज कॉल्ड मैरीटाइम इफेक्ट, मैरीटाइम मीन्स ओशनिक। टेरिटोरियल वाटर्स ऑफ इंडिया एक्सटेंड इन टू द सी फॉर 12 किलोमीटर फ्रॉम द अप्रोप्रिएट बेस लाइन, राइट। सो नॉर्मली वी डिवाइड द ओशनिक रीजन्स इन टू 5 जोन्स। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्टिंग फ्रॉम द बेस लाइन विच वी से द कोस्ट, फर्स्ट वन इज इंटरनल वाटर्स नियर द बेस लाइन। देन कम्स टेरिटोरियल सी विच इज 12 किलोमीटर एक्सटेंट, टेरिटोरियल सी और वी कैन से टेरिटोरियल वाटर्स। तो आंसर इज 12 नॉटिकल माइल्स, राइट। 12 नॉटिकल माइल्स, नॉट किलोमीटर्स, 12 नॉटिकल माइल्स। देन कम्स कॉन्टिगुअस जोन जो कि होता है करीब 24 किलोमीटर का, और उसके बाद आता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जो कि 200 नॉटिकल माइल्स का होता है। उसके बाद आता है हाई सी एरिया। तो ये 5 जोन होते हैं बेस लाइन से शुरू होकर। ये सब UNCLOS यूनक्लोस जो कन्वेंशन था, कन्वेंशन ऑन द लॉज ऑफ द सी, उसके अंदर ये डेफिनेशन तय की गई थी। ओके, सो इसका आंसर होगा 12। माउसेराम इज इन मेघालय, हाईएस्ट रेनफॉल। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज अंडर द रूल ऑफ पुर्तुगीज, पुर्तुगीज के रूल अंडर था गोवा। ओके, आर एफ स्टैंड फॉर रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन इज राइट। द डिफ्लेक्शन फोर्स अफेक्टिंग मूवमेंट ऑफ ऑन अ रोटेटिंग बॉडी, डिफ्लेक्शन फोर्स इज द कोरियोलिस फोर्स। IPCC ऑफ UN इज एसोसिएटेड विद, IPCC मीन्स इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, CC स्टैंड फॉर क्लाइमेट चेंज, सो D इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज ब्लैक सॉइल प्रीडोमिनेटली फाउंड, ब्लैक सॉइल महाराष्ट्र और गुजरात में मेनली मिलती है, सो महाराष्ट्र इज राइट। इट इज द कॉटन ग्रोइंग सॉइल, ब्लैक सॉइल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रबी क्रॉप, ओके सो ग्राम इज अ रबी क्रॉप। तलचेर इज लोकेटेड इन, तलचेर इज इन उड़ीसा, इट्स अ कोल रिच रीजन। तलचेर हैज ऑल्सो अ पावर प्लांट इन इट, थर्मल पावर प्लांट, उड़ीसा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ अ हाईएस्ट विंड फार्म क्लस्टर, सबसे ज़्यादा विंड फार्म का जो अमाउंट है वे तमिलनाडु में मिलता है, क्योंकि वहाँ बहुत विंड्स हैं। नागरकोइल डिस्ट्रिक्ट, कन्याकुमारी के पास। खादर रेफर्स टू द न्यू एल्यूवियल, खादर
इज द न्यू एलुवियम. कैपिटल ऑफ लक्षद्वीप इज कवरत्ती. ओके, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू मेजर द लेंथ ऑफ अ रिवर ऑन द मैप. सो इट इज नॉट लेंथ ऑफ अ रिवर. लेंथ ऑफ अ रिवर, रिवर इज जनरली अ कर्व शेप. सो कर्व शेप को जब हम नापते हैं तो उसके लिए हमें चाहिए होता है कर्वी मीटर और रोटामीटर और ओपिसोमीटर. ये तीन नाम एक चीज के हैं, रोटामीटर, ओपिसोमीटर, कर्वीमीटर. वी यूज ओपिसोमीटर बी इज करेक्ट. बाकी क्लाइनोमीटर तो एंगल के लिए, पैनीमीटर होता है आई थिंक एरिया के लिए होता है, और टेप से आप रियल लाइफ में मेजरमेंट लेते हैं. ओके, माइलस्टोन्स ऑफ नेशनल हाईवेज हैव. नेशनल हाईवेज के जो माइलस्टोन होते हैं उसमें यू सी माइलस्टोन में पहला बात तो वाइट कलर तो होता ही है, और वाइट कलर के साथ एक मैचिंग कलर होता है. सो जब येलो और वाइट होता है वो होता है नेशनल हाईवे, जब ग्रीन और वाइट होता है वो होता है स्टेट हाईवे, और जब या तो ब्लू हो या ब्लैक हो, ब्लैक और ब्लू मेनली ब्लैक ब्लैक और ब्लू के साथ वाइट होता है तो उसको एक डिस्ट्रिक्ट रोड बोल देते हैं, और जब रेड या फिर एक ऑरेंज कलर का जब वाइट के साथ होता है तो वे एक डिस्ट्रिक्ट सॉरी ग्राम पंचायत की रोड हो जाती है, विलेज रोड बन जाती है अंडर प्रधानमंत्री का सड़क योजना होती है. तो येलो, ग्रीन, ब्लैक एंड रेड विद मिक्स ऑफ वाइट. फ्रॉस्ट एक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ मैकेनिकल वेदरिंग. विच अमंग द फॉलोइंग डिनोट्स अ वेरी लार्ज स्केल मैप. 1:100 इज अ वेरी लार्ज स्केल मैप. इतना जनरली होता नहीं है. इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन इज अ लो प्रेशर ए जोन. करेक्ट है, ए लो प्रेशर जोन है ये. वेदरिंग इज एट इन सिटू. इट मीन्स इन सिटू का मतलब होता है जहाँ पर है, इन साइट, ऑन द साइट. सो ब्रेकिंग अ रॉक एट द सेम साइट इज इन सिटू. सो इन सिटू इसका उल्टा होगा एक्स सिटू. सो इन सिटू ए इज करेक्ट. फैदम इज अ यूनिट ऑफ मेजरिंग. फैदम इज फॉर मेजरिंग डेप्थ, जो कि 6 फुट की डिस्टेंस होती है. तो गहरा 6 exactly करके भी 6 फुट का होता है, 6 फुट का एक फैदम बनता है, तो डेप्थ के काम आती है ये. टू और मोर सिंकहोल्स जोन्स टू बिकम अ लार्जर डिप्रेशन. जब बहुत सारे सिंकहोल मिल जाते हैं तो उससे एक उवाला बनता है. इज राइट. इज द फॉलोइंग रॉक्स इज एन एग्जांपल ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स. सैंडस्टोन इज सेडिमेंट्री. रेस्ट आर मेटामॉर्फिक. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सोर कॉइन एटम जियोग्राफी. इराटोस्थेनस हैज कॉइन एटम जियोग्राफी. व्हिच मीन्स जियोग्राफिया राइटिंग्स अबाउट द अर्थ. Which of the following is not a planetary event? All are planetary except monsoon wind. Monsoon is a seasonal event. Okay, Westil Kolbe. Which of the following planets is not a Jovian planet? Jovian means Jupiter-like planet. Jupiter-like planet means a gaseous planet. Jupiter, Saturn, Uranus are, but Mars is not. So Mars is not a Jovian planet. Okay, the polar fringe force relates to. Polar fringe force. Okay, it is the rotational force. It is the reason why जो continental drift होती है, इसी की वजह से continental drift भी हुई है. उस थ्योरी में इसी फोर्स का एक जिक्र है, जिससे कि एक rotational force की वजह से centrifugal force बनती है और continent shift हुए हैं. तो polar fringe force is rotational of the earth. Which of the following is a continent building process? Orogenic means mountain building process, but epirogenic means continental building process. It means uplift ho gaya ya fir warping ho gayi, uplifting or warping of the earth crust. It's a simple deformation, right? It's a simple deformation. Aur orogenic kafi complex hota hai, kafi ajeeb ajeeb se fold hote hain, but epirogenic is simple in contrast, theek hai? Aur dono hi diastrophism ke examples hain, theek hai? Epirogenic is correct. Which of the following is not a union territory? Goa is a state, not a union territory. Rest are. Cirques are the most common of landforms in glaciated mountains. Yes. Okay, which of state of India is Sundarban, the largest mangrove is located. It is in West Bengal. The air that contains moisture to its full capacity. It is saturated air. Okay, next question. The point of origin of earthquake inside the earth is called a focus or hippocenter. The point of origin, the immediate point above the vertical vertical distance from it is called epicenter. Just uske upar hota hai epicenter.
राइट, सो फोकस विल बी करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग डिनोट्स द करेक्ट ऑर्डर। ओके, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है उत्तर प्रदेश में, फिर महाराष्ट्र में, फिर बिहार में और फिर वेस्ट बंगाल में, सो बी इज राइट। विच ऑफ द फॉलोइंग एटमोस्फेरिक लेयर्स हैज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओजोन। स्ट्रेटोस्फीयर हैज ओजोन। टू मेजर ह्यूमिडिटी वी यूज, ओके वी यूज साइक्रोमीटर। साइक्रोमीटर, ओके साइक्रोमीटर, जिसको हम स्लिंग साइक्रोमीटर भी बोल देते हैं, एक तरह का हाइग्रोमीटर होता है। हाइग्रोमीटर मीन्स हाइग्रोमीटर भी एक तरह का इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे हम ह्यूमिडिटी नापते हैं, वो भी इसी काम के लिए आता है। तो एक साइक्रोमीटर जनरली वेट और ड्राई बल्ब का एक मिक्सचर होता है, दोनों को एक साथ में लेके रखता है, उसको हम आराम से कहीं भी नाप सकते हैं आराम से भी। साइक्रोमीटर, लैक्टोमीटर तो हो नहीं सकता, लैक्टो मीन्स लैक्टोस, लैक्टोस मीन्स मिल्क, मिल्क की डेंसिटी नापने के लिए होता है लैक्टोमीटर। एनीमोमीटर इज फॉर द विंड स्पीड। अल्टीमीटर इज फॉर एरिया ऑन द मैप। बेंचमार्क ऑन द मैप डिनोट्स, इट डिनोट्स हाइट ऑफ अ मैनमेड फीचर। किसी भी मैनमेड फीचर के ऊपर एक बेंचमार्क लाते हैं तो उसको बेंचमार्क बोलते हैं। वे एक्चुअल ग्राउंड पे लिखा होता है, बेंचमार्क बना होता है। सो हाइट ऑफ मैनमेड फीचर। इक्वेटर इज अ लैटिट्यूड, 0 डिग्री लैटिट्यूड। रम लाइन इज केयर इज हेल्पफुल इन, और इट इज हेल्पफुल इन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैलकुलेशन। सो रम लाइन इज नॉट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज ग्रेट सर्कल डिस्टेंस। बट बिफोर लोगों को पता था ग्रेट सर्कल डिस्टेंस होती है, उससे पहले लोगों को पता नहीं था ग्रेट सर्कल से पहले, उन्हें रम लाइन ही सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लगती थी, तो वे उसी का यूज़ करते थे। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैलकुलेशन के लिए रम लाइन इज, रम लाइन एक तरह कॉन्स्टेंट पेयरिंग देती है, अगर उसको फॉलो करोगे तो आप वहीं पर पहुँचोगे जहाँ आपको पहुँचना है, आप मतलब डिफ्लेक्ट नहीं होने वाले। और ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस नहीं है, पर कह सकते हैं ये आंसर है, बाकी तो है नहीं। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैलकुलेशन इज करेक्ट। न्यू मूर आइलैंड इज नियर द कोस्ट ऑफ। न्यू मूर आइलैंड जो है 2010 में सबमर्ज्ड हो गया था। ये आइलैंड इसलिए फेमस है क्योंकि थोड़ा दिक्कत थी इंडिया और बांग्लादेश के बीच में कि कौन इसका हकदार है, किसके अंडर ये आइलैंड आता है। तो वे किससे खत्म हो गया जब ये आइलैंड सबमर्ज हो गया इन साइड द जो बे ऑफ बंगाल में। तो न्यू मूर आइलैंड वेस्ट बंगाल के पास है। जो द फॉलोइंग बायोस्फीयर रिजर्व्स आर इनकरेक्टली मैच्ड। ओके, नोक्रेक मेघालय में है, मानस उत्तर प्रदेश में। मानस उत्तर प्रदेश में कैसे आएगा, उत्तर प्रदेश में कोई बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है। ओके, दिस इज इनकरेक्ट। सुंदरबंस वेस्ट बंगाल में, असेंबली बार ऑडिशन, सो बी इज राइट। हच हैचोर्स ऑन द मैप डिपिक्ट, इट डिपिक्ट्स रिलीफ, ओनली रिलीफ। रिलीफ के द ट्रॉपिकल साइक्लोन विली विली स्ट्राइक्स इन, इट स्ट्राइक्स इन ऑस्ट्रेलिया। Which of the following method show the population distribution? Okay, population distribution, यानी population दिखाता है isoplith maps. Population density होता तो क्रोपलिथ। Settlement और topographical maps are shown by color, red color से depict की जाती हैं। Which of the following countries is not on the west coast of Africa? Senegal बिल्कुल west coast पर है, बिल्कुल सबसे west में country शायद Senegal ही है। Okay, Equatorial Guinea और Gabon, ये दोनों ही सेंट्रल अफ्रीका के पास ही हैं, गल्फ ऑफ गिनी के पास ही हैं, और दोनों ही वेस्ट में पड़ती हैं। पर मालावी ये थोड़ा सेंट्रल में, सेंट्रल सदर्न सेंट्रल एरिया में पड़ती है और अंदर है कॉन्टिनेंट के, अलोंग द लेक मालावी। सो मालावी इज करेक्ट। भाबर बेल्ट इज फाउंड इन हिमालयन पियडमोंट जोन, जस्ट अलोंग द माउंटेन्स। ओल्ड नेम ऑफ इथियोपिया, गोल्ड कोस्ट वैसे एक सिटी भी है इन ऑस्ट्रेलिया, वहाँ पे शायद कॉमनवेल्थ हुए थे भी। गोल्ड कोस्ट इज द ओल्डर नेम ऑफ गाना। आइवरी कोस्ट इज द ओल्डर नेम ऑफ अनदर कंट्री, जिसने अपना नाम अभी चेंज कर दिया, कोटिवा नाम की कंट्री है। ओके, आइवरी कोस्ट हो गया उसका नाम। यहाँ ये किस लिए फेमस है, ये काकाओ बीन्स के लिए फेमस है, यानी चॉकलेट के लिए, दोनों ही मतलब घाना भी और कोटिवा इज द नंबर वन कंट्री इन चॉकलेट। न्यासालैंड इज अगेन मालावी का पूरा नाम है न्यासालैंड। एबिसिनिया इज द ओल्डर नेम ऑफ इथियोपिया, इट इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट लैंड ऑफ कंट्री, उरुग्वे सी ए आर। ओके, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक इज सेंट्रल, नाम से लग रहा है सेंट्रल में है, मतलब कोस्ट के पास नहीं है, सेंट्रल में है बिल्कुल। ओके, एक यहाँ पे रखा है एंडोरा। एंडोरा इज सैंडविच्ड बिटवीन फ्रांस एंड स्पेन, के बीच में एग्जैक्टली पड़ता है ये माउंटेनस कंट्री, पायरेनीज माउंटेन रेंज से जाती है। बोलिविया, ओके
साउथ अमेरिका में केवल दो कंट्री हैं जो लैंड लॉक्ड है, वन इज बोलिविया, अनदर वन इज पैराग्वे। बोलिविया पैराग्वे को छोड़कर सारी कंट्रीज साउथ अमेरिका की लैंड लॉक्ड नहीं है, कोस्ट के पास है। उसमें उरुग्वे भी आता है, उरुग्वे साउथ अमेरिका में है, सो उरुग्वे इज नॉट लैंड लॉक्ड, उसके सी के पास है। ए इज करेक्ट। इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट इज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ, देखो वेदर फोरकास्टिंग की मिनिस्ट्री तो हो नहीं सकती कि मिनिस्ट्री ऑफ वेदर फोरकास्टिंग, इतना फालतू तो बैठे नहीं हुए लोग। मिनिस्ट्री ऑफ एटॉमिक एनर्जी, एटॉमिक एनर्जी के अंदर ये नहीं आता। साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो सकता है, फिर आर्ट साइंस हो सकता है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कुछ और चीज़ें आनी चाहिए, कुछ टेक्निकल, लेकिन नॉट जस्ट नेचर वाइज थिंग। सो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट में अर्थ साइंस, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंदर आता है। इसके अंदर जनरली आती हैं मेट्रोलॉजिकल, वेदर फोरकास्टिंग और ओशन, ओशनोग्राफी, ये सब चीज़ें अर्थ साइंस मिनिस्ट्री के अंदर आती हैं। सी इज करेक्ट। द शॉर्टेस्ट डे इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर टेक्स प्लेस ऑन दिसंबर 22। कैनरी आइलैंड इज लोकेटेड इन, कैनरी आइलैंड स्पेन की एक ऑटोनोमस टेरिटरी है जो कि अटलांटिक के में है, अफ्रीका की कॉन्टिनेंट और के पास में ही है, मोरक्को आइलैंड्स के ऑफ, मोरक्को आइलैंड नहीं, मोरक्को कंट्री के ऑफ। ओके सो अटलांटिक इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज नॉट क्रॉस्ड बाय ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, मणिपुर इज करेक्ट। मिजोरम और त्रिपुरा जाती है पर मणिपुर से नहीं आती, सी इज राइट। विच अमंग द फॉलोइंग इज द नॉर्दर्न मोस्ट प्लेस इन इंडिया, ओके कुल्लू शिमला, इनमें से कुल्लू नॉर्दर्न मोस्ट है, नॉट शिमला, शिमला थोड़ा नीचे है, सो कुल्लू इज करेक्ट। बहुत ज़रा सफर क्या। बैरन आइलैंड इज इन बे ऑफ बंगाल, बे बंगाल। विच द फॉलोइंग स्टेट हैज अ कोस्ट, ओके इनमें से किस पे कोस्ट है बताओ, झारखंड, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश पे कोस्ट है, सो डी इज राइट। ओके जीरो फाइट्स आर द वेजिटेशन ऑफ ड्राई क्लाइमेट, लूनर एक्लिप्स इज अ कंडीशन व्हेन अर्थ कम्स बिटवीन मून एंड सन, सो बी इज राइट। द शेड्यूल्ड टाइप पॉपुलेशन 2011 में कितनी थी, ये थी 8.6 और शेड्यूल्ड कास्ट की है 16.6, ओके तो 8.6 इज करेक्ट। जो द फ्लोइंग प्लेस इज करेक्टली मैच्ड, रियासी, रियासी जो है वे जम्मू कश्मीर का एक डिस्ट्रिक्ट है, नॉट करेक्ट। कोरापूत इज इन उड़ीसा, दिग्वो इज इन आसाम, एंड झुमरी तलैया इज इन झारखंड, करेक्ट। सो झुमरी तलैया इट इज लोकेटेड इन कोडरमा डिस्ट्रिक्ट, इट इज़ फेमस फॉर माइका डिपॉजिट्स, एंड द सेकेंड थिंग इज इसलिए भी फेमस है क्योंकि कई बार इसका नाम बॉलीवुड में आता है। उसका रीज़न ये है कि यहाँ से कई लोग मतलब रेडियो के काफ़ी शौकीन थे, तो एक प्रोग्राम आता था विविध भारती के नाम से, ऑल इंडिया रेडियो के अंडर था वे, तो उसमें एक रिक्वेस्ट भेजते थे कि ये सॉन्ग प्ले करना, मैं ये सॉन्ग प्ले करना। ज़्यादातर जो चिट्ठियाँ आती थी वे झुमरी तलैया से आती थी फॉर सॉन्ग रिक्वेस्ट। सो ये जगह फेमस हो गई, गानों के अंदर फेमस हो गई, उस प्रोग्राम से फेमस हो गई, फिर बॉलीवुड में इसके नाम चलने लगा, आज चले झुमरी तलैया ऐसा करके। सो झुमरी तलैया इज इन झारखंड। लेटर बी क्लासिफाइड ड्राई क्लाइमेट, द फॉलोइंग इज नो मोर अ सिस्मिक जोन इन इंडिया, ओके डी वन इज नॉट, ठीक है वन नहीं है, हमारे पास केवल चार जोन्स हैं, फिफ्थ भी है, फोर्थ भी, थर्ड भी, सेकंड भी है, पर वन नहीं है। लार्जेस्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ग्रीन हाउस गैस इन एटमोसफेयर इज, कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज़्यादा पाई जाती है, तो यही आंसर, सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड है। सर्वे ऑफ इंडिया टोपोग्राफिकल शीट हैविंग नंबर 53A, उसका मैप स्केल क्या होगा, ओके टोपोग्राफिक शीट इसका ये नंबर होगा, उसका होगा आंसर होगा इसका बी 1:2.5 लाख, क्योंकि जब भी ऐसा दे रखा हो, कोई नंबर दे रखा हो, फिर उसके बाद एक अल्फ़ाबेट हो, उसका मांगे हमेशा उसका आंसर यही आएगा। और अगर आपको ऐसी कोई टोपो शीट दे रखी हो जिसमें एक नंबर हो, फिर एक अल्फ़ाबेट हो, फिर स्लैश करके एक और नंबर दे रखा हो, ऐसी टोपो शीट शायद आपने कॉलेज में यूज़ करी होगी अपने, तो उस कॉलेज जो शीट का था उसका, उसकी जो रेशो हमने देखा है 1:50,000, ठीक है मैंने तो उतने देखा है 1:50,000 का रेशो था, क्योंकि वे थी इससे भी छोटी शीट, उसमें एक नंबर होगा, फिर अल्फ़ाबेट होगा, फिर एक स्लैश करके नंबर हो सकता है, ठीक है 10, 11, 12 ऐसे कुछ में, पर यहाँ पर लिखा हुआ 53A, तो इस तरह की टोपो शीट 1:2.5 लाख होगी, मीन्स करेक्ट। सैलिनिटी इज एक्सप्रेस्ड टोटल अमाउंट ऑफ सॉल्ट डिजॉल्व इन पर 1000 ग्राम ऑफ सी वाटर, सो सी इज राइट। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट इन्फ्लुएंस द ओशनिक करंट्स,
ओके, ओशन करंट्स को क्या नहीं करता है? हीटिंग बाय सोलर एनर्जी, यस इट डज, विंड भी करती है, ग्रेविटी भी करती है, पर रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ अराउंड सन नहीं करता। अर्थ रिवॉल्व कर रही है, रोटेशन करेगा, रोटेशन किसी ना कहीं करके कोरियोलिस फोर्स जनरेट कर रहा है, और कोरियोलिस फोर्स जो है उसको डिफ्लेक्ट करेगा, तो फिर रोटेशन करता है बट रेवोल्यूशन नहीं करता। रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ अराउंड सन से कोई रिलेशन नहीं है, तो डी इज द राइट आंसर। थुम्बा इज इन केरला, बट थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन है, जो कि थुम्बा तिरुवंतपुरम केरला में है। ठीक है, जस्ट लाइक श्री हरिकोटा है आंध्र प्रदेश में, ऐसी थुम्बा है। ये दो रॉकेट लॉन्चिंग सेंटर है इंडिया में। जो द फॉलोइंग प्रोजेक्शन विल शो हाफ ऑफ हेमिस्फेयर, इसका जो आंसर दे रखा है आंसर की में भी दे रखा है सीस टीरोग्राफी, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि आंसर गलत है। उसका रीज़न ये है कि मैंने इसका मतलब क्वेश्चन देखो क्या है कि इसमें कि कौन सा प्रोजेक्शन हेमिस्फेयर का हाफ शो करेगा, यानी एक होता है हेमिस्फेयर, हेमिस्फेयर का भी हाफ, यानी आप उस पर हेमिस्फेयर भी नहीं शो कर पा सकते। इतना अजीब मैप है ये कि आप उसमें ग्लोब का आधा हिस्सा भी नहीं शो कर सकते, बहुत ही छोटा हिस्सा शो करेगा। तो ऐसा कौन सा मैप है? तो कोनिकल में आप कर सकते हो एक हेमिस्फेयर आपको शो करना हो। पोलर प्रोजेक्शन, यस पोलर तो एक बहुत ही बड़ा शब्द है किसी भी चीज़ के लिए, जेनिथल प्रोजेक्शन शो करते हैं तो इट इज़ करेक्ट। स्टीरियोग्राफी भी कर सकते हैं, एंड आई थिंक नोमोनिक इज द आंसर, बिकॉज इसमें लिखा हुआ है एक्चुअली एलिमेंट्स ऑफ प्रैक्टिकल ज्योग्राफी बाय आर एल सिंह, पढ़ोगे उसमें साफ साफ एक लाइन लिखी हुई है कि यहाँ पे लिखा हुआ है इट इज इम्पॉसिबल टू ड्रॉ द मैप ऑफ वन हेमिस्फेयर ऑन दिस सिस्टम ऑन नोमोनिक प्रोजेक्शन बिकॉज द इक्वेटर बिकम्स इनफाइनाइट, राइट, इक्वेटर बिल्कुल इनफाइनाइट हो जाता है, उसको हम ड्रॉ नहीं कर पाएंगे। द स्केल इंक्रीजेस वेरी रैपिडली टुवर्ड्स द मार्जिन ऑफ द मैप टुवर्ड्स द इक्वेटर एंड देयर फॉर द प्रोजेक्शन इज सूटेड ओनली फॉर स्मॉल एरियाज अराउंड द पोल, अराउंड द पोल, ओनली स्मॉल एरियाज अराउंड द पोल। डैट मीन्स एक हेमिस्फेयर भी अच्छे से शो नहीं हो पाता इसमें, ओनली वे एरिया जो कि बहुत ही हाई लैटिट्यूड्स के हैं अराउंड द पोल्स, उन्हीं को हम शो कर सकते हैं। तो बेसिकली यही आंसर होना चाहिए कि हेमिस्फेयर का आधा हिस्सा हम सिर्फ इसी पे कर सकते हैं, नोमोनिक प्रोजेक्शन। आई थिंक ये होना चाहिए आंसर, बट दे रखा है आंसर की मैं सी, सो आई डोंट नो, मेरे तो सी, मुझे तो बी लग रहा है। मुझे तो फॉलोइंग लोकल नेम्स यूज फॉर शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज नॉट करेक्ट। ओके, पेंडा पोडू, बोथ नेम्स जो है आंध्र प्रदेश में चलते हैं, पेंडा पोडू झूमिंग इज नॉर्थ ईस्ट में चलता है, कोलकोस जो है कलेक्टिव फार्मिंग का नाम है जो कि अर्स्ट वाइल सोवियत यूनियन में चलता था, कलेक्टिव फार्मिंग का कोलकोस। मुझे तो फॉलोइंग सेंसस ईयर इज कॉल्ड ग्रेट डिवाइड इन डेमोग्राफिक हिस्ट्री, कई बार क्वेश्चन आता है, हर बार क्वेश्चन आता है यार, कितनी बार आएगा? 1921, 20 करेक्ट। सो नेट सेट 75 क्वेश्चन इसमें होते हैं, पूरे हो गए। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग, इफ यू फील कोई भी क्वेश्चन गलत है, वैसे गलत हो सकता है इसमें बड़ी बात नहीं है, इफ़ यू फील कोई भी क्वेश्चन गलत है प्लीज़ कमेंट बिलो, आई विल चेंज इट, एंड थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग।